हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और देखिए, आज इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि एक्सप्रेस 0.00352 और बार जो है वो 52 पे बार है इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो ये पहले हम इसको एक्स के बराबर ले लेंगे। लेट एक्स जो है वो 0.00352 बार ये है। अब देखिए, यहां पे इसके ऊपर बार है तो इसका मतलब ये रिपीट होता रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया 0.00352 इस तरह से ये रिपीट होता रहेगा। अब जो हमारा सबसे पहला जो रूल है वो ये कि पॉइंट से पहले एक डिजिट आना चाहिए। तो यहां पे हम 1000 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 3 जो है पॉइंट से पहले, डेसिमल से पहले आ जाएगा। तो बाय मल्टीप्लाइंग बाय 1000 ऑन बोथ साइड। विगेट, तो देखिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई करा तो 1000 एक्स आ गया। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मैं ऐसे लिख देता हूं, तो ये 3 डिजिट जो है राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो आंसर आएगा 3.525252। ये आंसर इसमें आएगा, फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लेंगे। अब 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे इसी इक्वेशन को, ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए, अब ये है 1 लाख से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 लाख इंटू एक्स आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने, देखिए यहां पे 0 है, 50 है, तो 50 ये राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा 352.525252, इस तरह से आता जाएगा। ठीक है, इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेंगे। और ये जो डॉट डॉट है ये रिप्रेजेंट कर, यही चीज को कर रहे हैं कि ये रिपीट होता रहेगा। अब इसमें से जब हम इक्वेशन को माइनस करेंगे, इनको इक्वेशन 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए इक्वेशन फर्स्ट को, देन वी गेट 1 लाख एक्स इज इक्वल टू 352.5252, इस तरह से मैं से माइनस कर देंगे 1000 को, 3.5252 इस तरह से आता जाएगा। अब माइनस करने के बाद देखिए यहां पे जो रहेगा ये माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 99000x। और इसमें से माइनस कर देंगे तो ये तो पूरे कट गया, 352 में से 3 माइनस होगा 349। अब ये डिवाइड में जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में तो ऐसा डिवाइड में जाएगा, तो एक्स आएगा 349/99000, ये हमारा एक्स आ जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर है। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। किसी और क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।